हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये हमारे इसका एक आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भोकाल सीरीज के तहत हिंदी का पिछला पेपर फर्स्ट लेकर आ चुके हैं, यानी कि जो लास्ट ईयर आपका हिंदी का पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पेपर हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 1 मार्च 1 शिफ्ट को आपका हुआ था। ये जो आपको पेपर रहेगा वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर रहने वाला है, यानी कि विगत वर्षों के परीक्षा पर आधारित ये आपका प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके का पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, आपको डिटेल में पता चलने वाला है कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर है आपका कैसा आता है। मैं आपको बता दूं कि मैं किस पेपर की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका दोस्तों पेपर है, ये आपका KBS का पेपर है। कौन सा पेपर है? KBS का, जो कि अभी लेटेस्ट हुआ है 2023 में, ठीक है। इसको देखते हुए ये आपके जो आपका EMRS का एग्ज़ाम है वो आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो आपका EMRS का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा आपका किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यही आपकी अथॉरिटी है जो कि आपका EMRS का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। और इसी अथॉरिटी ने किसका किया था? KBS का एग्ज़ाम जो है, KBS का जो एग्ज़ाम लिया था वो भी लिया था, ठीक है। इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन KBS की वेबसाइट पर दिख जाएगा, ठीक है। और EMRS का आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देख सकते हैं। वहाँ CBSE के द्वारा इसका जिक्र किया गया कि इसका जो पेपर लेगी वो CBSE लेने वाली है। तो हमारा जो पेपर आएगा लगभग लगभग, ये यहाँ तक कि पूरी पूरी संभावना कि आपका पेपर रहेगा वो KBS के तरह ही आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। हालांकि हम NBS के पेपर भी देखेंगे, बट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी KBS के पेपर्स को सबसे पहले निपटा लिया जाए। टोटल आपके 7 शिफ्ट के ये पेपर हैं। कितने शिफ्ट हैं? 7 शिफ्ट के, यानी 7 शिफ्ट के आपको 7 पेपर ये मिलेंगे। प्लस इसके अलावा 2018 और 19 में भी इसके पेपर हुए थे। कब हुए थे? 2018-19 में। लगभग 4 से 5 शिफ्ट के वो पेपर है, तो वो आपको दे दूंगा। NBS के भी आपके कम से कम दो दो शिफ्ट इस बार थी और 3 उस समय, तो टोटल 5 शिफ्ट का आपके वो पेपर है, ठीक है। तो ये सारे आपको पेपर में वन बाय वन कराने वाला हूँ, क्योंकि आप लास्ट लगभग आज से 19 दिन बचे हुए हैं। तो डेली का हम एक मॉक करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि पेपर में किस किस तरह की चीज़ें आने वाली हैं और आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा पूरे जो मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे अपने नोट से उठते हुए दिखाऊंगा। पूरे डेट टू एक एक क्वेश्चन मेरे नोट से छपा हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल सहित छपा हुआ आपको दिखाऊंगा मेरे नोट से, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए PDF हम खोल लेते हैं, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ये आ गई अपनी PDF, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए KBS जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 1 मार्च शिफ्ट 1 का ये एग्जाम है। ऊपर की डिटेल मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, किसी का नाम है, ठीक है, तो वो दिखाना यहाँ पर सही नहीं रहता, ठीक है। बाकी ये आपका ऑफिशियल पेपर है KBS जूनियर सेक्रेटेरिएट 1 मार्च शिफ्ट 1, 1 मार्च का सुबह 10 बजे का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसमें इंग्लिश आई थी, ठीक है, तो इंग्लिश हम देखने वाले हम देखेंगे हिंदी। सेकंड में इसकी हिंदी आई थी। इसमें टोटल 20-20 क्वेश्चन आए थे, बट हमारे वाले में कितने आ रहे हैं? किसी एग्जाम हमारे वाले किसी पोस्ट में 20 हैं और किसी पोस्ट में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, सॉरी 15 और 10 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हिंदी शुरू होती है, ठीक है, ये यहाँ से 21 नंबर के क्वेश्चन से आपकी क्या होती है? हिंदी शुरू होती है। और दोस्तों हिंदी के लिए बता दूँ, हमारी क्या क्लासेस स्टार्ट हुई है, अगर आपने नहीं देखी है ना तो जाके देख लेना, ठीक है। कल ही हमने फर्स्ट क्लास कर दी है हिंदी की, ये वर्णमाला। मैंने वर्णमाला, काफ़ी लोग बोले थे सर वर्णमाला तो आपके सिलेबस में नहीं, तो आप वर्णमाला क्यों पढ़ा रहे? तो मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला टॉपिक में नहीं है, बट जब आप संधि पढ़ेंगे ना तो वर्णमाला उसका बेस है, ठीक है, वर्णमाला उसका बेस है। मैं इसलिए फिर बोल रहा हूँ वर्णमाला आप सबको आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी संधि आप सीखेंगे ना, संधि नहीं सीख पाएंगे वर्णमाला के से वर्णमाला के बिना। इसी तरीके से एक टॉपिक होता है कारक, क्या होता है कारक, जब आप समास पढ़ेंगे ना तो मैं समास से पहले कारक पढ़ाऊंगा आपको, क्या पढ़ाऊंगा? समास से पहले कारक पढ़ाऊंगा, क्योंकि कारक ही जड़ है समास की, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये संधि की PDF खुली रखी है, और ये आपकी संधि की PDF खुली रखी है, समास की भी मैंने खोली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड रुकी है। हाँ, समास की यहाँ पर खुली अपनी, देखिए समास की PDF ये खुली रखी है अपनी समास की। तो बताऊँगा अभी पूरा मेरे जो है नोट से कैस किस तरीके से है, पूरा आपको नोट दिखाऊंगा, मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, ये देखिए ये हिंदी मेरे खुद के हाथों से लिखी हुई हिंदी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, चलिए। तो और ये सारी वीडियोस आ गई हैं दोस्तों, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना यार, है ना, सारी वीडियोस वगैरह आ चुकी है ये कट ऑफ वगैरह की, और कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो गई। ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये द एग्जाम्पल पर GK चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। ये सारी जो क्लासेस देख रहे हैं आप, ये जो हमारा स्टडी वाला चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम्पल पर GK, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहाँ मिलेंगी? द एग्जाम्पल पर GK में देखने को मिलेंगी। इसका भाई साइज कैसे बड़ा हो गया, 1 सेकंड रुकिए। साइज साइज, अच्छा यहाँ से हो गया,
एक सेकंड, ठीक है। तो सारी क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। इस वाले चैनल पर द एग्जाम पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, ज्वाइन कर लेना। इस वाले चैनल पर आपको ये वीडियो क्लासेस मिलती है हमारी, जो भी स्टडी से रिलेटेड रहती है, द एग्जाम एल पर जी के यूट्यूब चैनल पर, तो इसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये सारे कट ऑफ्स वगैरह बता चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो जाके वीडियोज आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, और ये हमने भोकाल सीरीज मैथ्स वगैरह की चल रही है तो देख लेना, ये कल हमारी क्लास हुई थी। हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट कि आपका जो ये मंथ एंड चल रहा है अभी दोस्तों, ठीक है, क्या चल रहा है, मंथ एंड मेगा सेल चल रही है टेस्ट होगी, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो अभी जाके इसे परचेस कर लीजिए दोस्तों मॉक टेस्ट को, ठीक है। कूपन कोड ये वाला डाल देना तो आपको डिस्काउंट्स भी देखने को मिल जाएगा, अभी 399 का ये कूपन कोड डाल देंगे तो शायद 50-60 रुपये और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, चलिए, ठीक है। ये मैंने अपडेट देनी थी थोड़ी, तो मैंने आपको अपडेट दे दी। चलिए, तो KBS का फर्स्ट शिफ्ट का हम 1 मार्च का पेपर देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में हमसे गद्यांश से पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ये लीजिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 21वें नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट था, यहाँ से हमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए, और ये जो टॉपिक है गद्यांश वाला आपकी EMRS का जो एग्जाम है, कल मैंने आपको हिंदी इंग्लिश के जो सिलेबस है वो बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक को करना है, उसमें आपका एक गद्यांश ऑफिशियल सिलेबस के अंतर्गत था, तो ये तो आपका एक आना ही आना है। तो गद्यांश क्या कह रहा था हमारा कि मनुष्य कोई भौतिक तथ्य नहीं है, यानी कि भौतिक तथ्य यानी कि कोई फिजिकल फैक्टर नहीं है हमारा मनुष्य, जिसे वैज्ञानिक विधि से समझाया जा सके, समझाया या समझाया जा सके, यानी कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कोई तथ्य है कि इसे मतलब वैज्ञानिक खोज से अपन समझ लेंगे, ठीक है। तो इसे समझना मुश्किल है, ठीक है। मानव जीवन पूर्व निर्धारित नहीं है, हमारा जो जीवन है यानी जो मानव का जीवन है पूर्व निर्धारित नहीं होता, आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो आपका जीवन भी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो ही आप पढ़ पाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं बिना पढ़े मेरी नौकरी लगे तो ऐसा होगा नहीं, आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो मानव जीवन कैसा था, पूर्व निर्धारित नहीं होता है, इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाना होंगे, आपकी नींद तोड़नी होगी, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रखी होंगी, ठीक है। चलिए, अगला लाइन जो लिखी है हमारी, वो लिखी है उसका अस्तित्व निरंतर खुला है, उसका अस्तित्व कैसा है, उसका अस्तित्व निरंतर खुला है और कुछ बनने के लिए प्रतिपल व्यग्र है, यानी कि वो कुछ बनने के लिए कुछ ना कुछ वो उठपटांग हरकत है करते रहता है, वह अपनी नियति का नियंता है, यानी वो अपनी नियति का कैसा नियंता है, यानी कि खुद अपनी नियति को बनाने वाला है, और वह भविष्य का विधाता भी है, और वो अपना भविष्य खुद लिखने वाला है। आप अपना भविष्य भाई खुद लिखोगे अपने हाथों से, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो आप अपना भविष्य लिखोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपना भविष्य नहीं लिखोगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। चलिए, अगला आगे देख लेते हैं, वह धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक परंपराओं का वंशवट नहीं है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो धार्मिक प्रथाएं होती है, जो सामाजिक की परंपराएं होती है, उनका वंशवट नहीं है कि उनको आगे ले जाके जाएगा, धार्मिक प्रथाएं जो चलती आ रही है उनको आगे भी चलाएगा, या सामाजिक जो परंपराएं चली आ रही है बरसों से उनको वो आगे चलाएगा, वो इसके लिए बाध्य नहीं है। युगानुरूप, यानी युगानुरूप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अनुसार, ठीक है। युगानुरूप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अनुसार, अनुरूप है ना, किसी चीज़ के अनुरूप, तो युग के अनुसार है ना, युग के अनुसार मूल्यों को बनाना बिगाड़ना उसकी अपनी शक्ति सीमा के भीतर है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि मुझे EMRS में सिलेक्शन लेना है तो आप अपनी शक्ति सीमा के भीतर इसका सिलेक्शन ले लेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी नहीं करनी है। तो चलिए, ये हमारे ये इतना ही बड़ा आपका आने वाला है पेपर में, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कैसे कैसे बने आपके। पहला है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य क्यों व्याकुल है, तो देखिए हमने ऊपर ही लाइन में पढ़ लिया था कि मनुष्य क्यों व्याकुल है भाई, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि मनुष्य कुछ बनने के लिए प्रतिपल व्याग्र है, ठीक है। तो क्या है, कुछ बनने के लिए क्या है, मनुष्य व्याकुल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसके आंसर दे रखे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए देखिए ये इसके आंसर है, तो आंसर 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका कुछ बनने के लिए क्या है, जो आपका मनुष्य है वो व्याकुल है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेकंड भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वंशवट नहीं है से क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, वंशवट से नहीं है से क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये वाला समस्त कि मनुष्य समस्त धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक परंपराओं को क्या है, तो मैंने बताया था ना, वह धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक परंपराओं का वंशवट नहीं है, यानी कि उन्हें आगे ले जा आगे नहीं ले जाने वाला वो, तो देखते हैं किसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ये तो कतई नहीं है, और निगेटिव बात बोल रहा है यहाँ पर, तो आगे बढ़ाने वाला नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन 23वें नंबर का, 23वें नंबर का आपका दोस्तों जो क्वेश्चन कहता है, वो कहता है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है, ध्यान रखना कौन सा कथन सही है,
देख लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, मनुष्य में परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं है। भाई कौन कह रहा है, सब मनुष्य में तो सारी शक्ति है ना। सामाजिक परंपराएं शाश्वत हैं, अपरिवर्तनशील है, यानी कि सामाजिक परंपरा बोल रहा है कि सामाजिक परंपरा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है, उनमें चेंजेस नहीं हो सकते, तो ये तो भाई गलत है, ठीक है, सीधी बात। तीसरा है कि समय के अनुरूप मूल्य परिवर्तित होते रहने चाहिए, ये सही है भाई, कि समय समय के अनुरूप हमें चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल वैलिड है कि समय समय के अनुरूप हमें चेंज होते रहना चाहिए, इसका सही आंसर है तीसरे नंबर का। चलिए चौथा देख लेते हैं, समय के अनुसार मूल्य परिवर्तित नहीं होते, तो ये तो गलत है यार, समय के साथ चेंज कैसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, अगला फिर से आया था, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे आपके गद्यांश से, ठीक है। मनुष्य की किस विशेषता का उल्लेख गद्यांश में नहीं किया गया है, तो देख लेते हैं, नियंता होना, ये तो भाई साफ साफ लिखा है, देखिए ये लिखा है, विधाता होना, विधाता 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 वो भविष्य का विधाता भी है, तो ये भी लिखा है, सामर्थ्यवान होना, ठीक है, तो सामर्थ्यवान ये तो कहीं जिक्र नहीं किया गया, नहीं ये भी किया गया, ठीक है, सामर्थ्यवान मतलब वो कुछ बनने के लिए खुद ही मतलब उसको अपनी शक्ति सीमा के भीतर, ठीक है, शक्ति सीमा यानी कि सामर्थ्यवान, तो ये भी इसका है, कौन सा नहीं है पूछा, ध्यान रखना, तो भविष्य का वक्ता नहीं है, भविष्य वक्ता मतलब भविष्य बताने वाला नहीं है, वो भविष्य बनाने वाला है, भविष्य का विधाता है, ना कि भविष्य को वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा, मैं क्लियर करके आपको आंसर बता देता हूँ, चलिए तो ये क्लियर कर देते हैं, और यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था, देखिए कि युगान रूप से क्या तात्पर्य, मैंने ऊपर ही बता दिया था, युग के अनुसार क्या हो जाएगा, युग के अनुरूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अलंकार से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था केबीएस की हर शब्द में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में डैश अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें जो अलंकार होता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें होता है आपका रूपक अलंकार, ठीक है। हम अलंकार की जब क्लास लेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा से आपकी क्लास ले लूंगा अगर टाइम रहा तो, ठीक है, एक बार पढ़ के चले आना, यहीं से ये कुछ गिने चुने होते हैं अलंकार, उसमें से आपको फंस जाता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी हम वहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा, अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, देखिए पत्थर का अर्थ नहीं है, वोकैबुलरी से आपके ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें समानार्थी शब्द पूछ रहा है कि समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना कौन सा वर्ड पूछा है, नेगेटिव, कि पत्थर का अर्थ नहीं है, तो पत्थर का अर्थ क्या नहीं होता, प्रस्तर, प्रस्तर होता है भाई, पाषाण, पाषाण भी होता है ना, अश्म, अश्म माने भी पत्थर होता है, तो जो नग होता है ना, नग दोस्तों ये पत्थर नहीं होता, ये तो हीरा होता है ना, आपने सुना होगा नग जड़े हैं इसमें, तो हीरे जड़े हैं, ठीक है, तो नग क्या होता है, हीरे, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे नग का मतलब क्या होता है दोस्तों, हीरे हो जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा चौथे नंबर का। चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं, और चलिए देखिए तत्सम, मैं बोला तत्सम तत्व, भाई ये टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा इसको करके जाना भाई, अभी दिखाऊंगा, चार तीन से तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपके पूछे गए, कितने, तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपके एक शिफ्ट में पूछे गए, तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों जो आपका तत्सम शब्द होता है ना, तत्सम शब्द मैं आपको यहाँ में डाल देता हूँ, ठीक है, जो आपका तत्सम शब्द होता है इसका मतलब होता है तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत यानी पुरानी भाषा, ठीक है, ओल्ड भाषा के समान, पुरानी भाषा में जो बोलते थे ना संस्कृत, उसके समान जो शब्द होगा वो कैसा है, तो इसमें देखते पुरानी भाषा का शब्द कौन सा है, लाख, लाख तो अभी हम बोलते हैं, ठीक है, लोहा, लोहा भी अभी बोलते हैं, लोह, तो पहले हम लोह बोलते थे, अब हम क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, तो पुराना कौन सा है, लोह, तो लोह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द का क्या उदाहरण, तद्भव, तद्भव यानी संस्कृत से भव यानी उत्पन्न, भव का मतलब उत्पन्न यानी कि नया शब्द, तत्सम, सम यानी समान, तो संस्कृत के समान, अब नया, तद्भव, तत्व पर उससे उत्पन्न शब्द यानी नया, तो एक होता है पुराना शब्द, एक होता है उससे उत्पन्न शब्द नया, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा आपको, पहले हम जो बारात जाती थी उसको बारात नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे वर यात्रा, क्या बोलते थे, वर यात्रा, ठीक है, वर की यात्रा, वर वधु बोलते थे ना, वर वधु, तो वर की पहले यात्रा निकलती थी, अब क्या निकलती है भाई, वर यात्रा नहीं निकलती, अब बारात निकलती है, क्या निकलती है, बारात, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये था आपका तत्सम शब्द, ये क्या था, तत्सम शब्द था, ठीक है, ये तत्सम शब्द था, और ये क्या, तद्भव शब्द है, तो ये होता है आपका तद्भव शब्द, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन पूछा तद्भव शब्द का उदाहरण क्या, यानी नया शब्द, बड़िक, बड़िक तो पुराना है, अब क्या बोलते हैं, बड़िक को बनिया बोलते हैं, ठीक है, बड़िक पुराना है, इसको बनिया बोलते हैं, वक,
ठीक है, वक का मुझे मतलब मालूम नहीं है, पर ये पुराना शब्द है वर्षा। तो पहले हम क्या बोलते थे, पहले क्या बोलते थे, वर्षा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। तो ये भी आपको पुराना शब्द है। अब देखिए चौथा बारात, तो मैंने भी बताया बारात लेटेस्ट है आज के समय में। किसी को सुना है बड़ी यात्रा बोलते हुए, बारात बोलते सब लोग, तो ये है नया शब्द। ठीक है, तद्भव यानी नया, तत्सम यानी पुराना, इतना समझ लो। ठीक है चलिए, तो इसको क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुर प्लस इंद्र, देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी मैं आपको पूरे नोट से दिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। सुर प्लस इंद्र में किसका संधि विच्छेद है? तो सुर प्लस जो इंद्र है दोस्तों, ये सुरेंद्र का संधि विच्छेद है, और इसमें जो संधि लगती है आपसे पूछ सकता है सुर प्लस इंद्र में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि लगती है। कौन सी? गुण, यहाँ लिख देता हूँ गुण संधि। कौन सी संधि लगती है दोस्तों? गुण संधि इसके अंतर्गत लगती है। इसमें क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे नोट्स पर लेके चलता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से क्लियर करते हैं और हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। लीजिए ये आ गए मेरे संधि के नोट्स, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गुण संधि। ठीक है, ये मेरे फुर की राइटिंग के नोट्स हैं। संधि हम जब पढ़ेंगे, तो अभी हम क्लास लेने वाले हैं, कल या परसों इसकी क्लास होगी संधि की। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा गुण संधि, ये देखिए ये मिलेगा गुण संधि। इसमें क्या होता है, छोटा बड़ा के बाद यदि छोटी बड़ी है, और ये मैंने क्यों, देखिए मैंने कल बताया था ये पढ़ाई थी ये चीज़ें सारी, कि भाई ये पढ़ लो, वर्णमाला के अंदर पढ़ाई थी, बोलो वर्णमाला में ये चीज़ें पढ़ाई थी। क्यों पढ़ाई थी भाई? वहाँ पर जो बंदा सीख गया होगा ना, उसे यहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं सीखेगा। वो इसीलिए मैंने वो क्लास ली थी, क्योंकि संधि सीखने के लिए वर्णमाला जरूरी है। इसी तरीके से अब समास कराऊंगा, उससे पहले कारक कराऊंगा। कारक अगर सीख ली तो समास इजीली सीख जाओगे, ये इसका बेस होता है। कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड लिखना है, तो पहले ABCD सीखना पड़ेगी। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो देखिए सुरेंद्र पूछा गया था, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सुरेंद्र है ना, छोटा बड़ा के बाद, देखिए यहाँ लिखा है छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी है, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यानी कि ए, इस पे ध्यान रखना, मात्रा नहीं होती, बट इस पे एक मात्रा होती है। अगर ये का के ऊपर लग गए ना ये, तो एक मात्रा लेगा, और जो आई होता है ना आई, ये अगर ये का के ऊपर लगा तो ये दो मात्रा लेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, इस पे इसकी दो मात्रा लगती है, इसकी एक मात्रा। कोई ऐसे मत बोल देना कि ए तो जे होता है, ए ये हो गया ए और ये हो गया आई, भाई ये गलत होता है। इस पे मात्रा नहीं होती, और इस पे केवल एक मात्रा होती है, ध्यान रखना। जब लगती है वर्ड के ऊपर, तो इसकी एक लग जाती है, इसकी दो लग जाती है। ये चीज़ क्लियर कर लेना अपन। ठीक है चलिए, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था आपका। देखिए ये रहा एग्जाम्पल, दो दो दिखाऊंगा, दो दो देखिए। देव प्लस इंद्र, ठीक है, वो कहता है सुर प्लस इंद्र, तो ये लो सुर प्लस इंद्र, अब ना की जगह साई तो रखना, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र लो, बस यहाँ क्या था, ना की जगह सू था, बस खत्म गानी। तो इसमें क्या था, मैंने बताया था आपको, देखिए यहाँ रा निकला, रा टोड़ के आ निकलेगा, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। रा टोड़ के क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और इधर ई आ रहा है, तो छोटा आ छोटी ई मिलकर क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे। ए की क्या मात्रा लग जाएगी, एक, तो रा आधा था, रा पे मात्रा लग जाएगी इसकी, ना तो आगे था ही था भाई, तो ना लग जाएगा पीछे से, आधा ना होता तो बन गया नरेंद्र। तो भाई ये चीज़ है, समझ गए आप। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, और इसको कर लेते हैं डिलीट। तो ठीक है समझ गया ना, सुर प्लस इंद्र, ठीक है सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखिए, बाघ धारा का संधि विच्छेद है। ये भी नोट से दिखाऊं, दिखाऊं बोलो, दिखाऊं नोट से, देखो मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे इस खुद के एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, मतलब खुद के जो नोट है, क्वेश्चन की बात ही छोड़ दो, खुद के जो एग्जाम्पल नोट से उसी में से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। ठीक है, बाघ धारा का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका होता है बाघ प्लस धारा। ठीक है, बाघ प्लस धारा, आधा का के बाद कोई शब्द आता है, तो आधा का किसमें, गा में बदल जाता है, किसमें, मतलब ये व्यंजन संधि में आता है, किसमें, व्यंजन। तो का के बाद जब व्यंजन आता है, तो ये गा में बदल जाता है, किसमें, गा में, गा में बदल जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको लीजिए, इस पर चलते हैं, ये लीजिए ये आगे संधि, नीचे चलेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि में। ठीक है नीचे चलेंगे, देखिए ये व्यंजन संधि, व्यंजन संधि ये है आपका व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, नहीं वर्ण का वर्ग के पहला, पहला वर्ण के का तीसरे वर्ग में, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, तो ये रहा पहला वर्ण का खा गा, का खा गा, का के बाद क्या था, तीसरा वर्ण कौन सा हुआ, गा, तो ये गा में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए गा में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं कल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है बाक प्लस ईस, फिर बड़ा हो गया, एक सेकंड रुकिए क्लियर करते हैं, ये देखिए, अरे भाई रुक जाना, ये लीजिए बाक धन ईश, तो बाक का के बाद क्या है, बड़ी, तो बड़ी तो वही रही, का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो देखिए का था, गा में बदल गया, तीसरे वर्ड में बदल गया,
ई वहीं की वहीं है, पर गा पे क्या हुआ, इस ई की मात्रा चढ़ी आई, तो क्या बने वागीश, वहां क्या था, बाघ धन धारा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, ये का किस में तीसरे लेटर में चेंज हो जाता, बस इतना, क्योंकि आधा है तो आधे में चेंज होगा। इधर अगर कोई वर्ड लिखा होता मात्रा, छोटा स्वर लिखा होता तो स्वर की मात्रा इसमें लग जाती, यहाँ स्वर था ई था तो ई की मात्रा लग गई। अब यहाँ कोई नहीं है तो बस ऐसा आगे का ऐसा ऐसा बाघ धारा वैसा की वैसा जोड़ दो, तो बन गया बाघ धारा, ठीक है। इस तरीके से और एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए ये लीजिए, देखिए यहाँ लिखा है जैसे कि अपज, तो पा है तो पा भी तीसरे वर्ड में अब जो हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए दिक प्लस गज, तो दिक और ये गा में बदल जाएगा दिग गज, ठीक। इस तरीके से दिक प्लस अंबर, तो का किस में बदल जाएगा गा में, तो दिगंबर, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए हम अपनी जो क्लास कर रहे थे उसके ऊपर चलते हैं, तो इसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से तत्सम शब्द आ गया, तो मैंने बताया ना तत्सम यानी पुराना शब्द, संस्कृत के समान, क्या था संस्कृत के समान शब्द, तो देख लेते हैं। बाघ, बाघ तो नया है, पहले होता था व्याघ्र, व्याघ्र व्याघ्र, आज पहले व्याघ्र बोलते थे बाघ को, तो अब क्या बोलते हैं बाघ, तो जो नया हो गया हमें चाहिए पुराना तत्सम, बुरा, है ना। तो बुरा भी आपका कैसा हो गया, नया हो गया, पहले बुरा ही बोलते थे ना, बुरा बोलते हैं ना, है ना। चलिए तो यहाँ से डिलीट मारते हैं, दोबारा पेन से लेते हैं, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, व्याघ्र मैंने बताया ना, व्याघ्र पुराना शब्द, इसका लेटेस्ट शब्द गया बाघ, है ना। आपसे ऐसे ही पूछेगा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा कौन सा है, तो व्याघ्र बाघ, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं दोस्तों, ये भी मेरे नोट्स में है, ठीक है। अब मैं कितनी पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा आपको ऐसे, चलिए यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से देखिए, तद्भव शब्द का उदाहरण पूछ रहा है, सॉरी तद्भव शब्द का, ओ भाई तद्भव शब्द का, तद्भव शब्द का उदाहरण, तद्भव यानी उत्पन्न शब्द, नया शब्द, ठीक है, नया शब्द क्या हुआ, विवाह, तो विवाह शब्द तो भाई क्या है बताइए, तद्भव है तत्समय, भाई हमसे पूछा है तद्भव शब्द, तो पहले होते थे विवाह, अब होते हैं ब्याह, कहे भाई ये ब्याह में नहीं चल रहे हमारे, हमारे ब्याह में बूढ़े हो रहे, ठीक है। तो ब्याह होते हैं अब, पहले होते थे विवाह, ठीक है। विभूति, ये भी आपका कैसा शब्द है, पुराना शब्द है विभूति, ठीक है। बधू, बधू भी आपका कैसा शब्द है, पुराना, अब क्या हो गई बहू, पहले बोलते थे बधू अब बोलते हैं बहू, ठीक है। तो 33 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कहते सुना है क्या, भाई हमारे घर बधू आई है, नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं बहू आई है, बहू, नया शब्द देख रहे हैं ना। अगर पुराने जमाने में जाओगे तो क्या बोलते थे, हमारे घर बधू आई है, बर बधू, नाम सुना होगा बर बधू, ठीक है। चलिए जब कार्ड चपता तो उसमें वर वधु लिखते, होगी संस्कृत का शब्द है, ठीक है, पुराना शब्द है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लिए प्लूम शब्द आ गया, उन्नति का प्लूम शब्द क्या होता है, डायरेक्ट भाई मेरे नोट्स में डायरेक्ट छपा है, अवनति होता है, ठीक है, अवनति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लीजिए नीचे चलते हैं, पीठ ठोकना आ गया भाई साहब, पीठ ठोकना, पीठ ठोकने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शाबाशी देना, सबको मालूम है पीठ ठोकने का अर्थ क्या होता है, शाबाशी देना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आ गया देखिए समास आ गया, समास, वाह 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 वाह, समास आ गया, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, डायरेक्ट खेल देखिए, प्रतिदिन में डैश समास है, कौन सा है, प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव समास है। अब देखिए मैं नोट पे ले चलता हूँ अपने, लीजिए भाई आ जाओ नोट पे चलते हैं मेरे, ये लो समास पे चलते हैं भाई, ले ये आ गया समास, इसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ से ये मेरे पहले, ये पहला ही पेपर है, पहला ही पेज है, मतलब समास की स्टार्टिंग ही है, ठीक है, पूरी डेफिनेशन वगैरह है, और इसका ये इसका क्या है, इसका ये टाइप्स है, तो अव्ययीभाव समास, ये लो ये देखो, वो दिखाऊँ तुम्हें, ये लिखा है देखो, एग्जाम्पल देखो, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, ये लाया एग्जाम्पल, लो अव्ययीभाव में एग्जाम्पल, ट्रिक के साथ पूरा पढ़ाऊंगा, ट्रिक के साथ, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, खुद के नोट्स है मेरे, खुद के, इन्हीं में से क्वेश्चन छपता है, हाईलाइट करके रखा है मैंने खुद के नोट को, देखिए यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ही पढ़ना है बस, इस लाइन में कुछ कुछ मतलब नहीं, ये समझ, ये आंसर बनेगा इसका, ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, बस इतने क्वेश्चन बनने भाई, फिर इसके टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ये होता है पूरा डेफिनेशन, ठीक है। तो खतरनाक हिंदी होने वाली है, बने रहिए चैनल पर, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। चलिए आज इससे आने वाली जो क्लासेस रहेंगी आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अब हम वापस अपनी क्लास पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए अगला है, समाज का उद्धार से बनने वाला समस्त पद क्या है, तो समाज से उद्धार यानी समाज का उद्धार यानी समाजो उद्धार। अब देखिए दो है यहाँ पर, समाजो उद्धार और समाज उद्धार, तो भाई ये समाज है ना कि सामाजो, तो ये गलत,
ये सही हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है चलिए आ गया, जो दिखाई ना दे, भाई जो दिखाई नहीं देगा अदृश्य हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपके सिलेबस में है ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है तो देखते हैं, अशुद्ध छाटना ध्यान रखना, अशुद्ध गलत वाक्य छाटना इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर में गलती हो जाती है। फूलों की एक माला दो, सही बात है, आप दुकान वाले दुकानदार के पास गए, बोले आपने कि भाई फूलों की एक माला दे दो, है ना, फूलों की एक माला दो। ठीक है बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तुम घर गए और तुम्हारी पत्नी ने तुमसे पूछा क्यों अपना बच्चा कहाँ, तो तुमने क्या बोल दिया, अरे वो दूसरे बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ खेल रहा था, या बच्चे मैदान में खेल रहे थे इस तरीके से। तो ये भी सही वाक्य है हमारा, ये भी सही वाक्य है। अब बोला ताजी गाय का दूध ले आना, अबे ये क्या बोल रहा है भाई, ताजी गाय कि गाय का अभी अभी पैदा हुई है क्या, ताजी गाय भाई दूध ताजा होता है दूध ना की गाय, तो गाय का ताजा दूध, तो ये आपका गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, सही बात है, आपका आपने अपने दोस्त को नाम लगाया, आपने अपने दोस्त को कॉल लगाया, बोला यार मैं तो नहीं आ पा रहा यार, वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना, इस तरीके से। तो आई होप आप समझ गए होंगे, चलिए क्लियर कर देते हैं इसको। 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि पर्यायवाची शब्द से है। ध्यान रखना क्या पूछ रहा, रण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई साहब, नहीं है पर बहुत ध्यान दे रहे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबतों पड़ जाओगे, ये शब्द दिखते नहीं है, बाद में दिक्कत देंगे। ठीक है तो कौन सा नहीं है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, कन वन कानन है ना, जंगल वन कानन, ये इसके सब पर्यायवाची। कुसुम, कुसुम किसका, फूल का है, कुसुम सुमन फूल कली, ये इसका सब किसके होते हैं, फूल के होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुसुम, क्योंकि इसने नहीं है पूछा था। ठीक है तो ये आपके मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। ठीक है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है तो इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना, और आखिर में इसकी पीडीएफ बताता हूँ कहाँ मिलेगी, चलिए नीचे चलते हैं अपन। देखिए यहाँ इसकी पीडीएफ मिलने वाली है आपको, ठीक है, इस चैनल पर, द एग्जाम पर जीके के टेलीग्राम चैनल पर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस पर आपकी स्टडी की वीडियो चल रही है और इस पर मैं डेली अपडेट डालते रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।